छोटी छोटी टिप्पणी, उसके बाद हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। संजय जी, देखिए, अगर ध्यान से घोषणा पत्र को देखें, हालांकि समय नहीं है पूरे घोषणा पत्र को देखने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया तो ये बहुत समावेशी है। हर वर्ग को उन्होंने टच किया, आपने जिसका जिक्र किया, मध्यम वर्ग को खासकर उसका ध्यान रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि 70 वर्ष की आयु से जो भी लोग हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा, जिसमें हर जाति हर क्लास के लोगों को एक तरह से समावेश किया गया। महिला वोटरों के बारे में काफी ध्यान रखा गया, कई कई घोषणाएं की गई हैं महिला वोटरों को लेकर, आदिवासी महिलाओं पर बहुत जोर दिया गया है, कई ऐसी चीजें हैं। स्टार्टअप के बारे में जिक्र है, 10 लाख से लेकर के 10 लाख से बढ़ा कर अब वो 20 लाख कर दिया जाएगा, तो कई चीजें। किसानों का ध्यान रखा गया, और किसान में भी बड़े तरीके से फिशरीज पे जो लोग काम करते हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा, जो फल सब्जी उगाते हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जब किसानों की बात होती है तो हमें अमूमन लगता है किसान का मतलब या तो गन्ना किसान या गेहूं और अनाज उपजाने वाले किसान, लेकिन बड़े बारीकी से किसानों में भी हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बहुत ही समावेशी एक तरह से घोषणा पत्र आया है। आशुतोष, नहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि इसमें एक ऐसी कौन सी योजना है जिसके आधार पर हम बात कर सकते हैं, क्या इसमें बेरोजगारों के बारे में कोई बात की गई है, क्या बेरोजगारी कैसे दूर होगी जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उसका कोई बात की गई? अभी आपने कहा आयुष्मान 70 साल से ज्यादा के लोगों के लिए, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखें उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया 25 लाख तक की जितना भी खर्च होगा गरीबों को लेकर मिडिल क्लास उन सबको, वो उन्होंने कहा कि मुफ्त में होगा। वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो नरेगा की स्कीम है उसमें 400 रुपये हम कर देंगे। तो ऐसी एक भी योजना मुझे इसमें आज दिखाई नहीं पड़ी जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि वो डिफाइन कर सकती या कोई नई योजना है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने कहा अप्रेंटिसशिप की बात की है, आज हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी के मसले पर कुछ बड़ी बात करेंगे, कोई जिक्र उस बात का नहीं है। तो जब आप जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उस पर अगर किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि जैसे आम तौर पर प्रधानमंत्री का भाषण होता है उसी तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। 1936 में हम ओलंपिक कर देंगे, ओलंपिक करना बहुत अच्छी बात, आप करिए ओलंपिक, लेकिन जैसे G20 में भारत की क्या उपलब्धि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि G20 तो एक बाकायदा रूटीन से सबके पास जाता है, हिंदुस्तान के पास कहीं और चला गया। देखिए, छोटे शहरों की तरफ उसका आयोजन ले जाया गया था, वो जगह जो कभी अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर नहीं रहती थी। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसका प्रोजेक्शन इस तरीके से किया गया जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से आया ना। ये जो प्रोजेक्शन है, मैं कहता हूं कि आज की तारीख में अगर बेरोजगारी से निपटने का आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप नरेगा के बारे में 400 आपने कहा कि वेतन न्यूनतम वेतन की समीक्षा करेंगे, हर सरकार करती है, ऐसी कौन सी सरकार जो नहीं करती। आपने कहा गैस सबसे महंगा 1000 रुपए से ज्यादा गैस है, आप कह रहे हैं हम पाइप से देंगे वो सस्ती देंगे, आप बताइए ना कितनी सस्ती में देंगे, आप 500 रुपए में देंगे, 200 रुपए में देंगे, 50 रुपए में देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। आप MSP के बारे में कहते हैं, सारा किसान पूरा आंदोलन सड़क पर बैठा हुआ नाराज है आपसे, आप ये नहीं कह पाए कि हम कानूनी तौर पर MSP गारंटी देंगे, नहीं आप दे। तो मेरा कहना यह कि बुलेट ट्रेन चार दिशाओं में आज बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, एफिशिएंट ट्रेन सिस्टम की जरूरत है। संगीत जी, देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है, हैरानी इस बात के लिए हो रही है कि राहुल गांधी जी ने जो वादा किया, हम तो आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नहीं बात करने के लिए, लेकिन चूंकि आशुतोष ने जिक्र कर दिया है, नहीं अभी आप अपना BJP पे ही रख दीजिए। नहीं, बस एक टिप्पणी, एक टिप्पणी जरूरी बन जाता है, क्योंकि कांग्रेस की बात इन्होंने लगा दी। एक कहावत है, ना राधा को 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा ही था, जो देश के जितने भी हिस्से के जो जो आदमी सड़क पर उतरा हुआ है, तुम वो MSP के कारण उतरे हुए गन्ना किसान, हम तुमको ये दे देंगे, तुम इस कारण से दुखी हो, हम ये दे देंगे, तुम इस कारण से दुखी हो, इस दे देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 44 की पार्टी है, 44 सांसदों वाली पार्टी है, 52 सांसद है, 44-45 पे आकर के टिकने वाली है। तो उसको एक अंग्रेजी की कहावत है, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, जो गिरा हुआ है उससे और ज्यादा क्या गिर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका के तौर पर वो केंद्र की राजनीति में नहीं आ रही है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती है। रही बात, अब मैं मजेदार बात है कि कह रहे हैं आशुतोष जी की दो बातें इस घोषणा पत्र का आप देखेंगे, पहली बात तो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने क्या किया है, हमने 11 करोड़, हमने 4 करोड़ घर दिया, हम 4 करोड़ 3 करोड़ और घर देने वाले हैं, हमने नल से जल्द हम सारी सुविधाएं देने वाले हैं,
हम 119 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया था जिसके बारे में आज के दिन में कम चर्चा की जाती है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो वीवी वेरी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसका कम बहुत जिक्र किया जाता है, उनमें जितनी भी सुविधाएं हैं, बेरोजगारी को लेकर के हम बात करते हैं, जो टू टीयर के शहर हैं, थ्री टीयर के शहर हैं, उन सबों में स्टार्टअप और उनको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर खड़ा करने की बात की गई है। रोजगार कहाँ से पैदा होता है? रोजगार मनरेगा दे देने से नहीं पैदा होता है। आप एम्पावर कितना कर रहे हैं? दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो बिना मैन्युफैक्चरिंग हब हुए हुए अपने अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमी से कोई दुनिया की इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई है। जापानीज इकोनॉमी जो है वो ट्रेडिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ गई। बड़े बड़े होर्डिंग्स में उसी तरह से लिखी हुई है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ना चाहती है। और मौजूदा वक्त में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के बदौलत किस तरह से जीते हुए चले आ रहे हैं, और यकीन यही कारण है कि आप आम सांसदों को भी देखेंगे वो 5 साल 10 साल में अपने कामकाज की बजाय वो नरेंद्र मोदी का ज्यादा जिक्र करते हुए नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर श्वेता सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी बात करती रही, उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है, दूसरे अन्य बीजेपी शासित राज्य इसका खाका तैयार कर रहे हैं। अगर इस मंच से नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया गया है तो इसका इम्पैक्ट यकीनन आगे आने वाले वक्त में पड़ेगा, और अगर सरकार बनती है तो फिर उसको जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक बड़ा वादा आज इस मंच से नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। दूसरी तरफ 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं जिनको अभी फ्री में राशन दिया जा रहा है, अगले 5 सालों तक उनको राशन दिए जाने का काम किया जाएगा, और ये जो लाभार्थी वर्ग है ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है जिसको टारगेट करके फिर से आगे बढ़ने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है। आपने ध्यान दिया होगा श्वेता, तिरुवल्लूर सांस्कृतिक केंद्र का यहाँ पर पीएम ने जिक्र किया है, तमिल भाषा का जिक्र किया। मौजूदा वक्त में केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर बहुत ताकत नरेंद्र मोदी की ओर से झोंकी गई है, और बार बार तमिल भाषा का जिक्र करके कि कैसे दुनिया की वो प्राचीनतम भाषा है उसको दुनिया को बताने की जरूरत है। एक बार फिर से इस मंच पर जिक्र करते हुए तमिलनाडु की जो 39 सीटें हैं वहां पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश, हालांकि बीते 2 चुनाव में हम जानते हैं बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, वोट प्रतिशत भी नाम मात्र का है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है, इस वजह से वहां पर टारगेट करने का काम किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यकीनन इसके जरिए किस तरह से पैसों की बचत होगी अगर इसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार कामयाब रहती है, इसका भी जिक्र यहां पर किया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा रोड मैप खींचा गया है, 2047 की बात की गई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी की गारंटी और 2047 का संकल्प पत्र जिसको पूरा करने का वचन यहां पर बीजेपी की ओर से दिया गया है। आगे आने वाले वक्त में चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जिस तरह से आम जनता की राय ली गई है श्वेता और इसको तैयार किया गया है, अब इसके जरिए एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 जनता की राय नहीं है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। जब संकल्प पत्र पेश किया जा रहा था तो उस आम जनता को वहां पर आमंत्रित भी किया गया, उनके हाथों में ये संकल्प पत्र हिमांशु थमाकर एक बड़ा संदेश, न केवल संकल्प है बल्कि देखिए हम उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं ये देने का प्रयास। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ये बात श्वेता अक्सर कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम जो योजना शुरू करते हैं उसको क्रियान्वयन जो है अपने शासन काल में ही कर देते हैं, और उसी लिए आप देखेंगे जितनी गरीब कल्याण योजनाओं के बेनिफिशरीज थे उनमें से कुछ को यहाँ बुलाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है मोदी का गारंटी संकल्प पत्र की कॉपी दी गई है, और ये कहा गया है कि जो इसमें कहा गया है वो अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे यदि हमारी सरकार आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोकस होता है हमेशा, वो फोकस है पहले आप परफॉर्मेंस कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, और फिर जो है आपको रिजल्ट नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो चाहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट दिखने चाहिए, अगर रिजल्ट दिखेंगे तो फिर जनता का विश्वास जो है आप में आएगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच जो है वो इस
संकल्प पत्र में आपको दिखाई भी देगी। जिस तरीके से आप देखें कि इसमें कहीं फ्रीबीज की वो बात नहीं है जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज यानी विपक्षी दलों के जो है मैनिफेस्टो में दिखाई दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन पेश किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैसे जाएंगे, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उनको आगे बढ़ना है, हेल्थ सेक्टर में कैसे जो है देश के लिए वो काम करने वाले हैं। साथ ही साथ हब बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उद्योगों के लिए एक भारत नया हब बनता नजर आ रहा है, चाहे वो सेमीकंडक्टर के लिए हो या अन्य क्षेत्रों में हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ा हब जो है वो भारत बनेगा। भारत को लेकर उन्होंने जो एक नई सोच दी है कि जब भारत अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा आजादी का, तब भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए और भारत की इकोनॉमी को जो है वो पांचवे पायदान से जो है तीसरे पायदान पे ले जाने का जो है वो विजन डॉक्यूमेंट पेश जो है वो पेश किया उन्होंने उन घोषणाओं के साथ, उस संकल्प के साथ जो वोटरों के सामने भारतीय जनता पार्टी रख रही है।